आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो हम आज मौजूद है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, 31वीं जयंती जो भिवंडी में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हम आपको बताते चले कि जहां एक तरफ नफरतों का जहर घोला जा रहा है पूरे देश में अजान को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, वहीं आज जो भीम सैनिक यहां पर निकले हैं वो प्रेम और मोहब्बत की मेरोनी को लेकर निकले हैं। आप पूरी भिवंडी की मेरोनी में हर गाड़ी में देख सकते हैं कि जहां पर लोगों ने मोहब्बत और एकता का, अखंडता का यहां पर अपनी पहचान दिखाई है। हमारी भिवंडी शहर इसीलिए मशहूर है एकता और अखंडता के नाम पर। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, भाईचारगी रखते हैं एक दूसरे से। और आज आप देख सकते हैं हमारे तमाम स्कूलों पर कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जाति के लोग जो है वह एक स्टेज पर जमा होकर लोग एक साथ बाबा साहब अम्बेडकर की 31वीं जयंती मना रहे हैं। हम आपको आगे और भी दृश्य दिखाएंगे कि भिवंडी में कितनी धूमधाम से कोरोना के बाद 2 साल के बाद आज दोबारा इस भिवंडी शहर में रौनक नजर आई है। आपको पूरा भिवंडी शहर उमड़ता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी तस्वीर में लोगों का भव्य स्वागत भी किया जा रहा है यहाँ स्टेज पर। और यहाँ पर दोनों जो आप माजी आमदार थे रुपेश भात्रे वो भी दिखे, महेश चौगले साहब भी देखे, शोएब बुड्डू साहब भी देखे, निकम भी देखे, तमाम लोग जो जितने भी नेता करने का थे सारे लोग यहाँ पर स्टेज पर नजर आए और सारे लोगों ने दिल की गहराइयों से लोगों को मुबारकबाद दी और उनका स्वागत किया। मैं अपने सहयोगी शिवम झा के साथ भिवंडी समय न्यूज से सुल्तान कुरैशी। माननीय दीपक जी मडवी साहेब समाज सेवक यांचे स्वागत संगारा सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष मुकेश शेवाळे करतील।
अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर करती है।